नमस्कार, पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज, देश भर की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए। जी हाँ, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको मोदी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में, मोदी सरकार के बड़े ऐलान के बारे में। उससे पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आपको जो एक वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा, आप सवाल का सही आंसर देके आप जीत सकते हैं ढेर सारो इनाम। इन इनाम के अंदर आईफोन एक्स, सैमसंग S9 समेत काफी मोबाइल शामिल है, जो मोबाइल आप जीत सकते हैं। 100 लकी विनरों को मोबाइल हमारी तरफ से डिलीवर किया जाएगा और आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस इनाम का जो है प्रतिभागी बनने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और वीडियो को लाइक के साथ शेयर करने का, ताकि आपको इनाम जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ सके। चलिए अब नजर डालते हैं मोदी सरकार के कुछ नए ऐलान के बारे में। जी हां, गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि जिस प्रकार से देश भर के अंदर गैस के दाम 19 रुपए बढ़ चुके हैं, उससे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार जो है गरीब लोगों को 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। जी हां, उसके लिए आपको नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा और वहां पे आपको जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, ताकि आपको 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिल सके। जी हां, साथ में आपको बता दें कि गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार ने जिस प्रकार घर बनवाए हैं, उसी प्रकार गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार 2 लाख रुपए का बिना किसी इंटरेस्ट के लोन देने वाली है, जिसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड आपके लिए होना जरूरी है। नजदीकी SBI बैंक में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप इस लाभ को जल्दी से प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ देश भर की बड़ी खबरों पे। आपको बता दें कि जो है ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच सोने का भाव कुछ थोड़ा सा फिसला है और चांदी में तेजी आई है। जी हां, आपको बता दें कि आज सोना का भाव 70 रुपए टूटकर एक सप्ताह के निचले स्तर यानी 41,100 रुपए प्रति 10 ग्राम, वही चांदी 25 रुपए चमककर 47,850 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। चलिए नजर डालते हैं कुछ पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिला भारी उछाल। पेट्रोल के दाम आज 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल के दाम में आज 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जी हां, एक एक पैसा करके पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए पार कर सकते हैं देश के अंदर। तो आप लोग पेट्रोल और डीजल की खपत है जो संभल के कीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पे। आपको बता दें कि इंडिया वीएस श्रीलंका थर्ड टेस्ट के अंदर पंत की जगह संजू सैमसन को मिला मौका, कुलदीप और सीएम दुबे बाहर। आपको बता दें कि विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य को भारत ने अरब सागर में किया तैनात। जानिए, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए इस युद्ध पोत को जो है अरब सागर में तैनात किया गया है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि JNU लैट के छात्र संगठनों ने हिंसा की, ABP ने नहीं प्रकाश जावड़ेकर। आपको बता दें इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, JNU विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरी लकेश हत्याकांड के अंदर झारखंड में 8 महीने से छिपकर रह रहा था आरोपी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, भूख से भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए महिला ने मनवाया सिर, पहले खाना खरीदा और फिर जहर। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि JNU वायलेंस को लेकर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी से शुरू हुआ था विवाद, और यह विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ड्रोन को मार गिराने की तकनीक नहीं ढूंढ पा रही है अमेरिका, कनाडा और इजराइल की कंपनियां। आपको बता दें कि पाकिस्तान ड्रोन इस तरह से जो विकसित हो चुका है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस ड्रोन को मार गिराने की तकनीक अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की नापाक हरकत, अफगान लड़ाकों समेत 300 की घुसपैठ को तैयार, और घुसपैठ अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि केस दर्ज कराने गई युवती दरोगा को दिल दे भेटी, कई साल रखा साथ, फिर शादी से पहले खुली फूल। अगली सबसे बड़ी खबर, राव अधिकारी की बायोपिक लेकर आ रहा है करण जौहर, रोमांचिंग की होगी था। आपको बता दें कि एक राव अधिकारी की बायोपिक पर मूवी बनने जा रही है, करण जौहर इसको बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मस्त होगी मूवी, बहुत ही रोमांच होगी। अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि शनि का प्रभाव था, उत्पन्न समस्या अब बीते दिनों की बात होगी, CM नारायण सामी ने उप राज्यपाल किरण बेदी के लिए ये बड़ी बात कही है। अगली सबसे बड़ी खबर, पंजाब के CM आवास के बाहर आपका प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बुछार कर जो है प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। अगली सबसे बड़ी खबर, जमिया MCRC के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अवैध सिद्दीकी का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अगली सबसे बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को दी नसीहत और कहा कि जो है कांग्रेस ने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जाए, वरना पूरे देश के अंदर वो नुकसान होगा जो आप सहम नहीं सकते हैं। इसको लेकर BJP पहले से चिंतित है। अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ अंतरराष्ट्रीय खबर, जहां होती है दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, वहां अब पानी की तरस रही धरती। आपको बता दें कि चेरापूंजी के अंदर जहां पहले कभी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब पानी से वहां पे धरती तरस रही है। अगली सबसे बड़ी खबर, नाइजर में आर्मी कैंप पर हमला, 25 सैनिकों समेत 13 हमलावरों की मौत। आपको बता दें कि अफ्रीकी देश नाइजर में एक सैन्य शिविर पर
एक हमले के अंदर 25 सैनिकों के समेत 13 हमलावरों की मौत हो चुकी है। अगर शशि वेडकर, ट्रंप ने उत्तर कोरिया को तानाशाह किंग जोंग को कहा हैप्पी बर्थडे। आपको बता दें कि तानाशाह किंग जोंग को हैप्पी बर्थडे ट्रंप की तरफ से विश किया गया है। अगर शशि वेडकर, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने की युद्ध रोकने की अपील। अगली सबसे बड़ी खबर, अमेरिका को ईरानी मिसाइल अटैक की कैसे लगी भनक। आपको बता दें कि इसकी भनक अमेरिका को लग चुकी है क्योंकि ईरान अटैक करने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब प्लानिंग रद्द की गई। पाकिस्तान में मारे गए सिख युवक की हत्या में पुलिस का दावा, मंगेतर ने कराई थी हत्या। अगली सबसे बड़ी खबर, आपको बता दें कि ईरान समर्थित अल शबाबी संगठन पर इजराइल हमला, इराक सीरिया सीमा पर की गई भीषण बमबारी। किसी और की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा पाकिस्तान, इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है। अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान सिख युवक की हत्या के मामले में मंगेतर गिरफ्तार। अगली सबसे बड़ी खबर, होंडुरस ने अवैध रूप से अमेरिका जा रहे 4 ईरानियों को पकड़ा। चलिए नजर डालते हैं कुछ प्रौद्योगिकी बड़ी खबरों पे। आपको बता दें कि कुछ चीजों का सेवन करना बड़ा जरूरी होता है, इनके लिए आपको बता दें कि अगर आप जल्दी मां बनना चाहते हैं तो हमारी इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ी इस वीडियो के लास्ट में इस पोस्ट को भी बताने वाले हैं। चंद्रग्रहण के तुरंत बाद पलट जाएगी 4 राशियों की किस्मत। आपको बता दें कि चंद्रग्रहण हो चुका है और चंद्रग्रहण के तुरंत बाद जो 4 राशियों की किस्मत पलट चुकी है। अगर सबसे बड़ी खबर, रियलमी का स्मार्टफोन भारत के अंदर लॉन्च हो चुका है और 5G जो है डेटा के साथ ये फोन लॉन्च किया गया, यानी 5G स्पीड का डेटा आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं और बाजार के अंदर काफी धूम मचा रहा है। आपको याद है कि Redmi Note Pro Wear, Realme 6 Pro भी लॉन्च हो चुका है, Redmi Note Pro भी लॉन्च हो चुका है। पहले नजर में सुपर हिट है Realme के फोन। और आपको बता दें कि अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जरूरी सूचना आपको बता दें कि WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है WhatsApp को नहीं चला पाएंगे अगर आपने अपडेट नहीं किया है। कुछ मोबाइल के अंदर जो लेटेस्ट फीचर आए हैं व्हाट्सएप के, तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप को लेकर आपको सावधान रहना है। व्हाट्सएप पे कोई भी गलत जानकारी आपको शेयर नहीं करनी है, वरना जो है गवर्नमेंट आपके व्हाट्सएप को बैन कर सकती है। आपको बता दें कि अगर आप जल्दी मां बनना चाहते हैं तो आपके लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, बादाम का सेवन, अनार का सेवन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी सेहत का कुछ ना हो सके। जी हां, नजर डालते हैं कुछ जो है आज के बड़े क्वेश्चन पे। आपको बता दें कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है कि ताजमहल भारत के अंदर कहां पे स्थित है, यानी आपको बता दें कि कौन से राज्य के अंदर ताजमहल स्थित है, कौन सी सिटी के अंदर ताजमहल स्थित है। आपको जवाब देना है, जवाब के साथ आप अपना मोबाइल नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।